my precious friend. मेरे अनमोल मित्रों, God warns you. परमेश्वर आप पर अधिकार रखता है. Because he has purchased you through the blood of Jesus Christ, who is God in flesh. क्योंकि उसने आपको यीशु, जो देहधारी परमेश्वर है, उसके लहू की कीमत से खरीदा है. And today's promise says, और आज का प्रतिज्ञा वचन कहता है, Psalm 30 and verse 5, जो भजन 30 वचन 5 में है, God's favor upon you lasts a lifetime. कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता जीवन भर तुम पर होती है. God's favor. परमेश्वर का अनुग्रह. The Lord says, और यहोवा कहता है, I will show favor to whom I have decided to show favor. Nobody can change that. मैंने जिसे चुना है, मैं उसे अपना अनुग्रह दिखाऊंगा और कोई भी उसे बदल नहीं सकता. To those whom I decide to be merciful, I will be merciful. जिस पर मैं दया करना चाहूं, मैं उस पर दया करूंगा. To those whom I want to show my grace, I will be gracious. जिन्हें मैं अपना अनुग्रह दिखाना चाहूं, मैं अनुग्रहकारी होऊंगा. I will cover their sins and remember it no more. मैं उनके पापों को ढांप लूंगा और कभी स्मरण न करूंगा. David committed a grave sin of adultery. दाऊद ने व्यभिचार का एक घोर जघन्य पाप किया. But he repented. परंतु उसने पश्चाताप किया. He repented before God. परमेश्वर के सामने उसने पश्चाताप किया. And he asked God to save the son that was born out of his sinful action. और अपने पाप से उत्पन्न बेटे को बचाने के लिए उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की. He just fell at the feet of the Lord and cried for mercy, mercy, mercy. वो यहोवा परमेश्वर के कदमों पर गिरा और कहा, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, David is a man after my own heart. दाऊद मेरे हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति है. He does all my will. वो मेरी सारी इच्छा पूरी करता है. I will build his house. मैं उसके घर को स्थापित करूंगा. I will build his generation. मैं उसकी पीढ़ियों को स्थापित करूंगा. Even today the house of David stands. आज भी दाऊद का भवन जो है वहां स्थिर है. In the flag of Israel there's a star. और इसराइल के राष्ट्र ध्वज में एक सितारा है. And the people of Israel even today say, that's the star of David. We belong to the house of David. और आज भी इस्राएली कहते हैं, वो तो दाऊद का सितारा है, हम दाऊद के घराने के हैं. God will build your house if you repent of your sins and turn to God. अगर आप पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें, तो परमेश्वर आपके घर को स्थापित करेगा. Even if you have committed sin and if you repent before God and promise to live righteously after that, God's favor will come upon you. चाहे आपने पाप भी किए हैं, अगर आप उससे फिरें और पश्चाताप करें, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा. He will never condemn forever. वो आपको हमेशा के लिए दोषी न ठहराएगा. He will never condemn your coming generations because of your past sin. आपके अतीत के पापों के लिए वो आपके आने वाली पीढ़ियों को दंडित नहीं करेगा. Don't be worried or afraid of a generation curse. इसलिए आप एक अनुवांशिक श्राप के लिए न चिंता करें और न डरें. When we repent before Jesus, he washes us with his blood and the blood of Jesus cleanses us from all sin. जब हम यीशु के सामने पश्चाताप करते हैं, तो वो हम पर दया करता और हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है. His favor lasts a lifetime. और उसका अनुग्रह जीवन पर्यंत बना रहता है. Father, release your children from the curses as they ask for forgiveness through the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा से जब आपके बच्चे क्षमा मांगते हैं पिता, तो आप उन्हें हर एक श्रापों से मुक्त करें. The blood of Jesus, let it cleanse them from every sin. और अदै प्रभु यीशु का लहू ने हर एक पापों से शुद्ध करे. And give them favor in your eyes. और आपकी दृष्टि में उन्हें अनुग्रह प्रदान करे. Whatever they have lost, और जो कुछ भी उन्होंने खोया है, whatever they have suffered because of their sins, अपने पाप के निमित्त उन्होंने जो कुछ सहा है, forgive, उन्हें क्षमा करें, cleanse, उन्हें शुद्ध करें, build their life again, उनके जीवन को पुनर्स्थापित करें, and show your favor, और अपना अनुग्रह उन्हें दिखाएं. Your favor will elevate them to become a king and to be a lasting generation of blessing. आपका अनुग्रह उन्हें एक राजा बनने का अनुग्रह देगा
और उनकी आशीषें पीढ़ियों तक बनी रहेंगी। आई पुट देयर ब्लेसिंग ऑन देम। ये आशीष मैं उनके ऊपर रखता हूँ। इन जीसस नेम। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। आशीषित बने रहें।